तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग रेलवे वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयपुर अजमेर होते हुए इंदौर तक की एक एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये एक 6-7 डिब्बों की छोटी सी ट्रेन हुआ करती थी, या मैं बात करूँ एक लिंक एक्सप्रेस हुआ करती थी जो कि भोपाल जयपुर एक्सप्रेस में लिंक होती थी उज्जैन से। कई लोगों का इसका थंबनेल देख करके और साथ ही इस बात को सुनकर के पुरानी बात याद आई होगी, क्योंकि रेलवे ने अभी से कुछ 1-1.5 साल पहले इस ट्रेन का संचालन बंद कर दिया है। दरअसल बात ऐसी है कि जयपुर से लेकर के भोपाल तक एक ट्रेन संचालित होती है जो कि पहले ICF टाइम में लिंक होकर के चला करती थी इंदौर जयपुर एक्सप्रेस के साथ में, जो कि उज्जैन में रैक, ये दोनों रैक आपस में मिला करते थे। और रेलवे ने जब इसको जयपुर से भोपाल चलने वाली ट्रेन को जब LHB में कन्वर्ट किया, तो रेलवे ने ये कहते हुए इस ट्रेन का संचालन बंद कर दिया था कि जयपुर इंदौर एक्सप्रेस एक अलग से रैक दिया जाएगा जो कि जयपुर से इंदौर के बीच में संचालित होने वाला है। लेकिन अभी तक भी रेलवे ने इस चीज़ की मंजूरी नहीं दी, और ना ही पता नहीं अभी तक रेलवे के अंदर शायद इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं चल रही। और बात करें राजनीतिक दलों के अकॉर्डिंग, तो अभी तक राजनेताओं को उस चीज़ की खबर भी नहीं है कि आखिर सेक्शन में एक ऐसी ट्रेन भी चला करती थी। ये जो ट्रेन है उज्जैन से आपस में लिंक हुआ करती थी, इंदौर से जाने वाली इंदौर जयपुर जो ट्रेन थी वो उज्जैन तक जाती थी, और साथ ही भोपाल से जयपुर जाने वाली ट्रेन जब उज्जैन आती थी तो ये दोनों ही रेक आपस में लिंक हुआ करते थे। और फिर ये जो ट्रेन है संचालित होती थी इंदौर जयपुर और भोपाल जयपुर एक्सप्रेस के तौर पे, या बात करूँ इंदौर जयपुर एक लिंक एक्सप्रेस के तौर पे ट्रेन संचालित होती थी। लेकिन रेलवे ने इस ट्रेन का संचालन बंद कर दिया है, जिसके चलते यात्रियों को कई परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है। सांसद शंकर लालवानी जी ने कई बार रेल मंत्री जी से मीटअप करके इंदौर अजमेर जयपुर त्रिसाप्ताहिक ट्रेन संचालित करने की डिमांड भी रखी है, लेकिन अभी तक भी उनकी जो डिमांड है वो रेल बोर्ड तक तो नहीं पहुंची है। साथ ही चित्तौड़गढ़ से उज्जैन के बीच में मेमू ट्रेन का संचालन का मामला भी अभी यहाँ पर अटका हुआ है। राजनीतिक जो दबाव है, अगर इसको यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो इस ट्रेन का संचालन जो है रेलवे ज़रूर से कर सकता है, क्योंकि राजनीतिक दलों के अकॉर्डिंग ही, या फिर मैं बात करूँ राजनीतिक पक्ष के साथ ही ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अभी आप कुछ समय से यही देख रहे हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते ट्रेनों का संचालन यहाँ पर हो जाता है, साथ ही ट्रेनों को हॉल्ट छोटे छोटे स्टेशनों पर भी मिल जाता है, जबकि रेलवे का नियम है कि एक आंकड़े के अनुसार जो स्टेशन कम आय देगा उस पर ट्रेनों का हॉल्ट नहीं दिया जाएगा। तो फिर भी रेलवे इस नियम को जो है वो शायद भूल चुका है। अभी जयपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की मांग यहाँ पर वापस से उठ चुकी है। टाइम टेबल भी यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा शेयर किया गया है, मैंने देखा भी है, और होगा तो आप लोगों को उस टाइम टेबल के बारे में भी मैं अवगत करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, आखिर क्या आपको याद है जयपुर इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भी होता था और रेलवे ने इसकी पुष्टि की थी कि इस ट्रेन का संचालन एक अलग रैक से किया जाएगा। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल मिलेंगे भी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।